हिल गया भाई, सनम हिल गया, और सनम हिला है ना हिला, लेकिन मैं तो हिलका तेरे कपड़ों को देखकर। और आज हम बात करने वाले निब्बा निब्बियों के बारे में। खट्टा खाने का दिल करता है मेरा बीच बीच में, और ये भी सोचता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने वाली हूँ यार, मैं पिछले 6 महीने से रोस्ट वीडियो बना बना कर पागल हो गया, लेकिन अभी तक ठीक से यूट्यूबर नहीं बना, और ये 16 साल की रहटली माँ बनने वाली है। ठीक है तू माँ बन, लेकिन वो भी किसकी? इस कालू के बच्चे वालू की। के मर जाए वो सब जो मेरे अलावा तुझ पे मरती हैं। पहली बात तो ये है कि और सब तो बाद में मरेंगी, लेकिन तेरे पीछे जो खड़ा है मुझे लगा ये अभी मर गया दिखे है। तो तू सबसे पहले एक काम कर, इसको ले जा और किसी सरकारी अस्पताल में इसका ठीक से इलाज करवा। स्टार्ट करो। डर गए भाई हम, डर गए। तू जो भूल कर देख रहा है ना, उसी से डर गए हम। और अगर तेरे विश्वास ना हो रहा हो तो मैं भूत के दिखाऊं ना, मतलब डर इतना लग रहा है कि पेंट में भूत निकलना तैयार है। उसको मैंने कैसे कैसे रोक रखा, क्योंकि भूत निकल गया और उसके ऊपर छींट चली गई ना, तो उसका रंग काले से गोरा हो जाएगा। देख ले अभी ना मान रहा, अगर पेंट में भी निकल गया ना और तेरे ऊपर छींट चली गई तो तेरा रंग तो काले से गोरा हो जाएगा, लेकिन फेरल में क्रीम वाले वो मुझे दोष देंगे कि भाई तुमने हमारी मार्केट डाउन कर दी। 14 साल और मेरा एज है 16 साल। यार मुझे 14 साल की पेंट रोकने के लिए बेल्ट भी ना मिली, अपनी पेंट अपने हाथों से रोकनी पड़ेगी, लेकिन इसे तो 14 साल की मरो बंदी मिल गई, और वो भी पेंट रोकने के लिए नहीं, पेंट खोलने के लिए। लब से लहू बाद में कर लियो, पहले से हक्के अंदर है, कभी बाद में पता चला कि इसने तो यहीं पर खाद का ट्रक लोड से लोड कर दिया, फिर तू ही कहेगी ये तो टट्टी है भाई। टिकटॉक पे चला गया, लेकिन अपने एडिटिंग फ्यूचर इन छपरानियों को सिखा गया, क्योंकि कपड़े बदलने वाली एडिटिंग टिकटॉक पर ही कुछ ज्यादा फेमस थी। सिस्टम पार देंगे। वादा तो जरूर कर, लेकिन एक वादा और कर इससे, इन कपड़ों को पहनकर घर में मत जाइयो, कभी फिर बाद में पता चला कि इन पत्तों को तो बकरी खा जा, और उसके बाद तुझे देख कर घरवालों की मौज आ जा। नुकसान एक गड्डी पत्तलों और एक लड़ी गिलासों का, अरे इतने गिलास और पत्तलों में तो मेरे जन्मदिन की दावत हो जाती, लेकिन ना तुम्हें तो नुकसान करना है सामान का भी और अपने माल का भी। पर भाई मेरा दोस्त उमेश इसकी वीडियो देखकर बोल रहा था कि यार इसने इस कालू को पकड़ रखा है, इस कालू से बड़े तो मैं ही हूँ, मुझे पकड़ ले। तो देख ले भाई अब कर लेगा ये सब बोले नहीं। अरे भाई अब पता चला कि सरकार ने प्लास्टिक की बंद कर दी, इसने प्लास्टिक के कपड़े बना लिए ना, तो इसलिए सरकार ने प्लास्टिक की बंद कर दी, लेकिन ये फिर भी ना मानेंगे, कभी पत्तों के कपड़े, कभी प्लास्टिक के कपड़े, और पता नहीं किस किस चीज के कपड़े बना देंगे ये, क्योंकि मैं चूतिया हूँ। मिल गया भाई सनम, मिल गया, और सनम हिला है ना हिला, लेकिन मैं तो हिलका तेरे कपड़ों को देखकर। सही पकड़े हैं। और एक बात, तू इन कपड़ों को पहनकर कभी घर से बाहर मत चली जाइयो, कभी फिर बाद में पता चला कि जैसे ही तू घर से बाहर गई वैसी बारिश आ गई ना, तो उस बारिश में कपड़े तो फटेंगे ही, लेकिन तुम्हारी इज्जत उसका मुझे अभी ना पता क्या होगा। सची तो ना कहता, अगर तू सची कहता ना तो पूरी सोशल मीडिया पे अपने आप को आलू के नाम से फेमस ना करवा लेता। भाई ये तो नवी कारण आज इतना ही लड़की से वीडियो में दिखाती है, हमारे हाथ हमारी शक्ल से ज्यादा काले, लेकिन इसके हाथ पैर तो छोड़ो, इसकी तो शक्ल इतनी काली दिख रही है जैसे मानो एक ट्रक कार हो इसकी शक्ल पे पोत दी हो। और पोते भी क्यों ना, लाइक भी तो लेने हैं वीडियो पर, और इसका वीडियो में इतने काले दिखने का सारा उद्देश्य जाता है इस लड़की को, क्योंकि जितनी अपनी शक्ल पर क्रीम लगाती है ना उससे दुगनी तो इस बिचारे के मुंह पे कारोज पोत देती है। जाने लगा तो मैं क्यों, मैं पूरा डर गई और ये भी डर गया था, नहीं हुआ तो मैंने नानी को बताया और फिर मम्मी को बताया। तो माँ बाद बनियो, पहले समझदार बन और डॉक्टर के पास जा, इलाज करवा अपने शरीर का भी और दिमाग का भी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बोल रही है ना कि नानी को बताया, तो इसने तो अपनी नानी को बताया, लेकिन इसकी नानी ने इसे क्या सिखाया वो भी देख लो। इसने सोचा हो कि नानी के पास जाएगी तो शायद नानी कुछ काम का बता देगी, लेकिन नानी ने तो काम ही करवा दिया, एक वीडियो बनवा दी। देखो भाई ये भी काम ही है वैसे, और इसने तो अपनी नानी की भी शर्म ना करी, इस कालू को वहां भी ऐसे कपड़े पहना के लेगी जैसे मानो को बाइक रिपेयरिंग करने वाला मिस्त्री हो। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो कम से कम नानी के घर तो उसे ठीक से कपड़े पहना के ले जाती, लेकिन ना ये तो ऐसे ऐसे कपड़े पहना के ले जाएगी। और भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वीडियो में कालू बन के दिखाता हो और बाकी टाइम हीरो बन के रहता हो। मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो मैं 18 साल की लड़की जो अभी तक सिंगल हूँ, अगर मेरे लिए कोई लड़का सिंगल है तो कमेंट में आई लव यू बोल दो, मैं तुमको यस बोल दूंगी सच में। देख ले भाई
अभी टाइम बोल रहा है आई लव यू, ये सब बोलने कह रही है ना जाने बन जाए तेरा काम। तभी तो 16 साल की थी, अब 18 साल की फिर जल्दी होगी, इसकी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर से भाई भाई है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। और जिसको भी मुझसे बात करनी है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।